आप धर्म परिवर्तन करते हो, जो यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, यीशु मसीह खुदा का पुत्र नहीं है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यार देखो, आप बोलते हो कि पैसे दे के धर्म परिवर्तन करते हो, मैं कहता हूँ यार पैसा देकर जो है ना वो गुलाम खरीदा जाता है, क्या बात? पुत्र नहीं होता पैसा देके। तो यीशु मसीह ने हमें अपने पुत्र बनाया है। Praise the Lord, जैमसी की स्वागत है आपका एक और बार विजनरी रेडियो टीवी के इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है Let's Talk Today। Let's Talk Today में हमेशा नई खास खास वो बातें जो जरूरी हैं सुनने और अमल में लाने की। इसलिए एक सवाल जो मसीह ने पूछा था, वो सवाल था लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। यीशु ने पूछा था किससे? पतरस से। यहाँ पर है खुदा का खादिम जिसका नाम भी खादिम है, पास्टर खादिम। स्वागत करते हैं पास्टर खादिम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे बीच में आने के लिए। आपका नाम इतना अच्छा है कि मैं लगभग इसको एक डायलॉग की तरह बोल रहा हूँ। पर सवाल ये की है कि यीशु ने पूछा लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, बिल्कुल जी, और खुदा का खादिम क्या कहता है। ऐसे है खुदावंद यीशु मसीह मत्ती की इंजील 16वें अध्याय में है ना, चेलों से पूछते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। रीजन क्योंकि यीशु मैं सोचता हूँ यीशु ये सोचते होंगे कि तुम लोग जो जानते हो वही लोगों को बताओगे, ठीक है, है ना। तो इसलिए प्रभु ने पूछा लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। तो चेले कहने लगे प्रभु कोई तो कहता है कि तू नबी है, कोई कहता है तू यर्मिया है। तो जब चेलों ने ये क्लियर कर दिया तो यीशु ने कहा चलो लोग तो ये कहते हैं, तुम बताओ तुम क्या कहते हो। ठीक बात है। तो चेले जो है सारे के सारे शांत, 12 चेले थे, 12 में से 11 तो शांत हो गए। क्यों? मैं सोचता हूँ कि हो सकता है उन्होंने अभी तक इतनी नजदीकी से यीशु को जाना ही नहीं होगा कि ये कौन है। करेक्ट, करेक्ट, है ना। तो पतरस जो है वो बोला कि तू परमेश्वर, तू जीव के परमेश्वर का पुत्र मसीह है। पतरस ने जवाब दिया, है ना। तो यीशु ने उसे भी बोला पतरस ये खून और मांस से नहीं हुआ। ठीक बात है। अगर तू सोचेगी तेरी बुद्धि के द्वारा, तेरी समझ के द्वारा तुझे पता चल गया ये ऐसे नहीं हुआ, ये मेरे पिता ने तेरे ऊपर प्रकट किया है कि मैं उसका पुत्र हूँ। क्या बात है। जी लोग ये कहते हैं, लोग क्या कहते हैं उसे बताने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे रखा। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन आज लोग कहते हैं कि यीशु मसीह खुदा नहीं है, यीशु मसीह जो है परमेश्वर नहीं है। तुम लोग जो है यीशु के नाम से धर्म परिवर्तन करते हो, लोग ना जाने क्या क्या बातें करते हैं, लेकिन एक खादिम क्या बोलता है। देखिए मैं तो ये कहता हूँ कि जब तक कोई इंसान है ना किसी चीज का खुद टेस्ट नहीं करेगा तब तक वो नहीं जान पाएगा कि ये इसका टेस्ट क्या है। क्या बात है। तो जो ये बोलते हैं ना कि आप धर्म परिवर्तन करते हो, यीशु मसीह का, जो यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, यीशु मसीह खुदा का पुत्र नहीं है, तो मैं कहता हूं कि चखो, आपको चखने की जरूरत है। बिना चखे आप बोलोगे तो उसमें कोई वजन नहीं रहेगा। यू हैव टू टेस्ट क्राइस्ट, तभी पता चलेगा कि वो है कौन। वैसे जो लोग ऐसा सवाल करते हैं मैं उनको कहता हूँ देखो तुम तुम्हारे घर की जानो, हम हमारे खानदान की जानते हैं, हम जानते हैं खुदा यीशु खुदा है कि नहीं। तुम्हारे अपने खानदान की बात करो कि तुम्हारे घर में जो है वो खुदा है कि नहीं, हमारे खानदान की हम जानते हैं। लेकिन खादिम क्या कहता है। मैं ये कहता हूँ कि यीशु मसीह सभी के लिए है। आमीन। यीशु मसीह सभी के लिए है और सभी को यीशु की जरूरत है क्योंकि उसके बिना कोई उद्धार करता नहीं। आमीन। है ना। इसलिए धर्म परिवर्तन का जो दोष लगाते हैं ना, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यार देखो यीशु मसीह, आप बोलते हो कि पैसे देके धर्म परिवर्तन करते हो, तो मैं कहता हूँ यार पैसा देकर जो है ना वो गुलाम खरीदा जाता है, क्या बात, पुत्र नहीं होता पैसा देके। तो यीशु मसीह ने हमें अपने पुत्र बनाया है। आमीन, आमीन। हमें पैसे से सिर्फ गुलाम होगा। हाँ। तो यीशु मसीह तो पुत्र बनाना चाहता है हमें सभी, हम सभी को, इसलिए तो उसने अपना खून तक दे दिया, अपने आप को दे दिया, हम उसके पुत्र है। और जो पैसे देकर वो नहीं चाहेगा कभी कि मेरे पास पैसे देकर किसी को लेके आओ, पैसे वाला काम नहीं है, ये तो सिर्फ विश्वास का काम है। मैंने आपकी गवाही सुनी और आपने अपनी गवाही में कहा कि आपके पास पैसे नहीं अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने के लिए, अपनी पत्नी के लिए, खुद के लिए कपड़े। बिल्कुल। अगर हमारे पास इतने पैसे होते तो मैं ये गवाही में क्यों ऐड करता। क्या बात है। मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं थी। क्या बात है। वेल, यीशु ने जब ये पूछा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, पतरस ने तो जवाब दिया। अब लोगों को क्या जवाब देना चाहिए, लोगों को क्या करना चाहिए कि तुम मेरे बारे में क्या कहते हो। देखिए मैं आपको ये बताऊंगा कि आज ना एक मतलब कि पूरी दुनिया में एक ट्रेंड है ना, लोग ये अभी तो मैं एक पास्टर होने के नाते मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सबसे पहले बनती है
मैं यीशु मसीह की सही तस्वीर जो है वो लोगों के सामने लेके आऊं। ये ना हो कि मैं ये बता दूं कि यार यीशु मसीह भूत निकालता है। अच्छा। मैं ये ना बता दूं लोगों को कि यीशु मसीह पैसे बहुत देता है, आशीष बड़ी देता है। सही मुद्दा उन्हें बताना है कि यीशु मसीह जीवन देता है, वो मुक्ति दाता है। हालेलुया। ये मेरी जिम्मेवारी है। आमेन। अगर मैं सेवक होकर नहीं बताऊंगा तो जो मैं बताऊंगा सिर्फ वही पता होगा। अगर मैं बोल दूंगा कि यीशु डॉक्टर है तो लोग सोचेंगे यार ये चंगा करने वाला है। अगर मैं बोलूंगा यीशु भूत निकालने वाला है तो वो यही सोच के प्रभु के पास आएगा। आज दुनिया के सामने यीशु की सही तस्वीर रखने की जिम्मेवारी उसके सेवकों की है। आमेन। खुदा के खादिम की। हाँ, खुदा के सभी खादिमों की है। और ये खादिम ने कह दिया कि यीशु का जो सवाल का जवाब था खादिम ने कह दिया। और आप भी खुदा के खादिम हैं, और जिसको परमेश्वर ने बुलाया है, चुना है, अपने राज्य के लिए रखा है, उसकी ये जिम्मेदारी है कि यीशु की सच्ची तस्वीर रखे, लोगों के सामने सच्ची तस्वीर जानी चाहिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया पास्टर खादिम। थैंक यू, प्रभु आपको इस्तेमाल करे और ये सच्ची तस्वीर की जो बात है ये लोगों तक पहुंचे, ये आपकी, मेरी और आप सबकी भी जिम्मेदारी है। आमेन। प्रभु आपको आशीष करे। यदि आपके मन में कुछ बोलने के लिए, यदि आप भी चाहते हैं कि विजनरी रेडियो टीवी पर अपनी गवाही और वो मैसेज, वो उत्साह की जो बात परमेश्वर ने आपके दिल में दी है, स्वागत है आपका, आप आ सकते हैं। प्रभु आपको आशीष करे। यदि आपके मन में बोझ है तो आप अपने हाथ को बढ़ाकर नीचे लिखे नंबर पर अपने ऑफरिंग्स भेज सकते हैं, ताकि हम सेवकाई के नए नए काम करते जाएं और प्रभु की स्तुति करते जाएं। आमेन। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। साथ में डाउनलोड कीजिए विजनरी रेडियो का मोबाइल एप्लीकेशन, जिसमें आप 6 भाषाओं में प्रभु के शुभ समाचार के साथ साथ और कई सारे प्रोग्राम्स और गवाहियों और प्रोग्राम्स को सुन पाएंगे। प्रभु आपको आशीष करे। थैंक यू पास्टर खादिम। ओके सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। आप सबको प्रभु आशीष करे। जय मसीह की। इस खूबसूरत दुनिया के अलग अलग चेहरे, कोने कोने के चेहरे, इस देश के चेहरे, उस देश के चेहरे, चेहरा कोई भी हो लेकिन उस पर मुस्कुराहट सिर्फ यीशु मसीह के नाम के कारण ही होती है। जय मसीह की। आप डाउनलोड कीजिए विजनरी रेडियो और सुनिए 24 घंटे सातों दिन बाइबल मैसेज, वर्शिप सॉन्ग और बहुत सारी गवाहियाँ और भी बहुत कुछ। तो डाउनलोड कीजिए विजनरी रेडियो।